आज हम बात करते हैं आपके सामने करंट अफेयर की महत्वपूर्ण सेशन के साथ। जी हाँ, जो आज के हम लोग करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं, ये सीरीज आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और सुबह के 7 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आपके लिए लाइव हो जाती है। और आज हम लोग 10 फरवरी के टॉप 10 करंट के साथ साथ विविध को पढ़ेंगे, जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी अहम और काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग थियरी के पढ़ेंगे, थियरी के बाद इससे जुड़े हुए 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे, जहां से आपके परीक्षा में सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। तो सभी साथी इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जी हाँ, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके सेशन की तरफ। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर भी कर दीजिएगा। जितने भी साथी इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं, हमारे साथ देख रहे हैं, वे सभी साथी इस सेशन के को अपने मित्रों के साथ साझा करेंगे। जी हाँ, आज के 10 फरवरी की जो करंट की सीरीज है, उस करंट की सीरीज में हम सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन जो है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी अहम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको लेकर आए हैं, जिसका पहला टॉपिक आपके सामने आपके बोर्ड पर है, जहाँ पर है कि श्रमिका, जी हाँ, श्रमिका रवि जो है को EACPM के सदस्य के रूप में नियुक्त किया। जी हाँ, यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि श्रमिका रवि को EMCPM सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। यह आज का महत्वपूर्ण सेशन है, इस पर भी हम लोग ध्यान से देखते हैं और इससे जुड़े रहते हैं। अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और शोधकर्ता श्रमिका रवि को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EACPM के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। श्रमिका वर्तमान में ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन वाशिंगटन DC में गवर्नेंस स्टडीज प्रोग्राम की अनिवासी वरिष्ठ फेलो हैं। अर्थशास्त्री बिबेल देवराय की अध्यक्षता वाली EACPM वर्तमान में एक सदस्य और 6 अंशकालीन सदस्य ठीक है। आगे चलते हैं हम इस सेशन के तरफ। यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं जो आपके सामने है कि सलाहकार निकाय के अंशकालीन सदस्यों में अर्थशास्त्री राकेश मोहन और JP मार्गन ने प्रबंधन निदेशक के मुख्य भारत अर्थशास्त्री जेड चिन्नायन शामिल है। EACPM के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग देख लेते हैं और जान लेते हैं। जी हाँ, यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EACPM भारत सरकार को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाहकार देने के लिए गठित एक स्वतंत्र निकाय है, विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी को। अगले जो पॉइंट है आप सभी के लिए परीक्षा में काफ़ी बेहद उपयोगी है। जी हाँ, यहाँ पर महिंद्रा फाइनेंस के MD और CEO, जी हाँ, महिंद्रा फाइनेंस के MD और CEO के रूप में राहुल रेवोलो को नियुक्त किया गया। जी हाँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक मंडल ने राहुल रेवोलो को प्रबंधन निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नामित किया है। वह रमेश अय्यर का स्थान लेंगे, जो 29 अप्रैल 2023 को सेवानिवृत्त होंगे। वर्तमान में वह कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी COO के रूप में कार्यरत हैं। महिंद्रा फाइनेंशियल में शामिल होने से पहले उन्होंने एक्सिस बैंक लिमिटेड ग्रामीण ऋण में और वित्तीय समावेशन कार्यकारी उपाध्यक्ष के प्रमुख के रूप में काम किया है। जी हाँ, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे ठीक है। हाँ, वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी मित्रों को, लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे कि बैंकिंग क्षेत्र में हालिया नियुक्ति, तो SIFL के सलाहकार समिति के रूप में RBI द्वारा SIFL V रामचंद्र, JP मॉर्गन चेस एंड कंपनी इंडिया के CEO प्रभदेव सिंह, RBI के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा पुनः नियुक्ति हुई है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड BPL के MD और CEO सुरेंद्र चावला, भारत के अंतरिम CEO नलिन नेगी, बैंक ऑफ सिंगापुर के CEO जैसन। ये विविध है, मतलब करंट के साथ साथ हम लोग विविध को भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि विविध से भी आपके परीक्षा में सवाल आता है। अभी हम लोग करंट पर फोकस करेंगे, इसके बाद हम लोग इसके थियरी के बाद जो अगला हमारा टॉपिक होगा, कि इसके थियरी जब खत्म होगा तो फिर हम लोग इसके जो MCQ प्रश्न है उसके तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अब हम चलते हैं जियोग्राफिकल। बृहस्पति शनि को छोड़कर सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह, बृहस्पति जो है शनि को पछाड़कर सबसे अधिक चंद्रमा, चंद्रमा का मतलब यहाँ पर उपग्रह होगा, यहाँ चंद्रमा का मतलब उपग्रह होगा, बृहस्पति जो है सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह बन गया है। बृहस्पति न केवल हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, बल्कि इससे सबसे अधिक चंद्रमा भी है, इसके जो सबसे अधिक चंद्रमा भी सीखे हैं। यह रहस्योद्घाटन तब हुआ जब वैज्ञानिकों ने इसकी परिक्रमा करते हुए 12 अन्य चंद्रमाओं का पता लगाया। जी हाँ, अगर हम बात करें यहाँ पर तो कुल 92 चंद्रमा है, 92 उपग्रह इस विशाल ग्रह की परिक्रमा कर रहे हैं। नई खोज का मतलब है कि गैस दिग्गज के ज्ञान चंद्रमाओं में 15% की वृद्धि हुई है। स्मिथसोनियन
एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी द्वारा संचालित माइनर प्लैनेट सेंटर MPTC ने स्काई और टेलीस्कोप को एक नई रिपोर्ट के अनुसार बृहस्पति के नए 12 चंद्रमाओं की कक्षाओं को प्रकाशित किया है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके एक नए सवाल की तरफ, नए प्रश्न की तरफ, जो अगला टॉपिक है इसका। जी हाँ, आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर है कि बृहस्पति ग्रह शनि को पीछे छोड़ दिया, जिसके वर्तमान में 83 चंद्रमा है। लघु ग्रह केंद्र MPC द्वारा बृहस्पति के 12 अब तक अनदेखे चंद्रमाओं की कक्षाओं को प्रकाशित किया गया। 12 मस्याओं में से 9 विशेष रूप से दूर है। MPOC का अनुमान है इन 9 चंद्रमाओं की परिक्रमा 550 दिनों से अधिक लंबी है। जी हाँ, अगला है टॉपिक आपके सामने, शायद आपको बोर्ड पर डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ, डॉक्टर मनसुख मांडविया ने प्लास्ट इंडिया 2023 में CEO कॉनवेल की अध्यक्षता की है। केंद्रीय सैन्य उर्वरक तथा स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली प्लास्ट इंडिया 2023 में CEO कॉनवेल की अध्यक्षता की। सम्मेलन में भारत और विदेश दोनों प्लास्टिक उद्योग के 90 से अधिक CEO ने भाग लिया है। आगे हम बात करें तो कॉनवेल भारत की अध्यक्षताओं क्षमताओं को प्रदर्शित करने के अवसर प्रदान करेगा और भारतीय प्लास्टिक उद्योग के विकास को सुविधाजनक बनाने में भी मदद करेगा। इससे दुनिया के 45 से अधिक देशों के प्रदर्शनों के साथ साथ दुनिया भर के 2 लाख से अधिक व्यापार आगंतुकों ने भी भाग लिया। आगे हम देखते हैं प्लास्ट इंडिया 2023 के बारे में कुछ विविध तथ्य जो परीक्षा के लिए उपयोगी है। यह प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन के तहत प्रदर्शनियों की एक श्रृंखला को संदर्भित करता है। 11वीं अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक प्रदर्शनी और कॉनवेलो का आयोजन 1 से 5 फरवरी 2023 तक ITPO प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया जा रहा है। प्रदर्शनी रोजगार सृजन के अवसर प्रदान करेगी, भारतीय प्लास्टिक उद्योग के विकास को सुगम बनाएगी, भारत को वैश्विक जरूरतों के लिए प्लास्टिक की सोर्सिंग का केंद्र बनाएगी। यह मानव अस्तित्व के सभी पहलुओं में उपयोग के लिए प्रसंस्कृत प्लास्टिक कच्चे माल मशीनरी उत्पादों से वैश्विक स्रोत के रूप में भारत को बढ़ावा देगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें, क्योंकि यहाँ से आपके परीक्षाओं में सीधे सीधे सवाल पीछे जाता है, मतलब सीधा सीधा सवाल आपके परीक्षा के लिए पूछा था, इसलिए आप लोग इस सेशन के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, हम इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। PM मोदी ने HL के हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है। जी हाँ, अगर हम बात करें तो यहाँ पर PM मोदी ने HL हेलीकॉप्टर के निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या क्या इसके बारे में महत्वपूर्ण है, जहाज परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपके सामने आएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुमकुरु कर्नाटक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL के एक हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। 615 एकड़ फैली ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री लाइट यूनिवर्सिटी हेलीकॉप्टर का निर्माण करेगी। इसमें हेली रनवे फ्लाइटर हैंगर फाइनल असेंबली हैंगर स्ट्रक्चर असेंबली हैंगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल और सपोर्ट सर्विसेज ये अपने संचालन के लिए 4.0 मानक उपकरणों और तकनीकी को पूरी तरह से अनुपालन करता है। यह संयंत्र आने वाले दिनों में हेलीकॉप्टर मरम्मत और रखरखाव के लिए वन स्टॉप समाधान की पेशकश करने वाली भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा बनने वाला है। भारत में डिजाइन किया गया लाइट यूनिवर्सिटी यूटिलिटी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर अनूठी विशेषताओं वाला 3 टन वर्ग का सिंगल इंजन बहुदेशी उपयोगिता वाला हेलीकॉप्टर है। प्रधानमंत्री 2016 में इस संयंत्र की आधारशिला रखी थी। जी हाँ, कर्नाटक के बारे में जानते हैं। इसकी राजधानी बेंगलुरु है, मुख्यमंत्री बसवराज बुम्बई है, राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। तो आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें। यह करंट के साथ साथ विविध है, जो मैं बार बार आपसे कहता चल रहा हूँ कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए हम इसके तथ्य में आगे बढ़ते हैं आपके साथ। अगला आपके सामने, भारतीय रेलवे ने गरवी गुजरात की। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने गरवी गुजरात यात्रा की शुरुआत की। भारतीय रेलवे एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत भारत में गौरव डिलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन या गरवी गुजरात यात्रा 28 फरवरी को दिल्ली सफदरगंज स्टेशन से प्रस्थान करेगी। इस ट्रेन टूर को जीवंत गुजरात की विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तर्ज पर डिजाइन किया गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी चंपानेर सोमनाथ द्वारका नागेश्वर बेट द्वारका अहमदाबाद मोढ़ेरा
और पाटन सहित गुजरात के प्रमुख तीर्थ स्थलों और विरासत स्थलों की यात्रा कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षक होंगे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं इसके अन्य करंट की सीरीज की तरफ, जो आपके परीक्षा के लिए काफी उपयोगी काफी महत्वपूर्ण है। पर्यटक इस टूरिस्ट ट्रेन में गुरुग्राम, रेवाड़ी, रिंग्स, फुलेरा, अजमेर रेलवे स्टेशनों पर भी सवारियों का उतार चढ़ाव कर सकते हैं। IRCTC ने ग्राहकों की EMI भुगतान विकल्प उपलब्ध कराने के लिए पेमेंट गेटवे के साथ भी समझौता किया है। जी हाँ, एक और प्रमुख टॉपिक है जो आपके सामने कि प्रख्यात पार्श्व गायिका वाणी जयराम का निधन हो गया। जी हाँ, देखिए डेली करंट की सीरीज के लिए आप टेलीग्राम पर दुर्गेश्वर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े रह सकते हैं। जी हाँ, ये फेसबुक और यूट्यूब पर भी आपके लिए लाइव है। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध पार्श्व गायिका वाणी जयराम का निधन हो गया। उन्होंने जनवरी 2023 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। जयराम ने बॉलीवुड में अपने गायन करियर की शुरुआत की और ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म गुड्डी 1971 में उन्हें पहला ब्रेक मिला। उन्होंने 3 बार सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। उन्होंने ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात राज्यों में राज्य सरकार के पुरस्कार भी जीते हैं। जी हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी भी है। अगला आज का 8वां पॉइंट है, शायद आपको दिख रहा होगा, सेंट्रल जोनल काउंसिल की 15वीं स्टैंडिंग कमेटी की बैठक देहरादून में हुई। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की अस्थायी समिति ने 15वीं बैठक देहरादून में आयोजित की गई। बैठक उत्तराखंड के मुख्य सचिव SS संधू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने पर चर्चा की गई। तो घर बैठे सभी नोट्स के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ देख रहे हैं इस लाइव सेशन में। ठीक है, हम और आगे चलते हैं। आगे है आपके, इसके अलावा मध्य क्षेत्रीय परिषद के राज्यों में स्थानीय उत्पादों को अधिक से बढ़ावा देने, मध्याह्न भोजन के अंतर्गत स्थानीय उत्पादों को शामिल करने पर बल दिया गया। दूर दराज के गांव में 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सुविधा मुहैया कराने पर चर्चा हुई और भारत नेट के जरिए मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया गया। आइए यूपी के मुख्यमंत्री VFS ज्वाइंट वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पहले VFS ग्लोबल ज्वाइंट वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन किया। नया केंद्र 10 देश ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, चेक गणराज्य, स्विट्जरलैंड, इस्टोनिया, हंगरी, पुर्तगाली, जर्मनी, इटली, सऊदी अरब के वीजा आवेदकों की सुविधा प्रदान करेगा। VFS ग्लोबल दुनिया भर के 12 देशों में भारत के लिए पासपोर्ट और वीजा सेवाओं का देखरेख कर रही है। 2001 में कंपनी की स्थापना के बाद अभी तक लगभग 2 करोड़ वीजा आवेदन किए गए। VFS ग्लोबल कथित तौर पर सालाना 1,20,000 से अधिक वीजा आवेदकों को संभालने के लिए सुसज्जित है। जी हाँ, आप लोग भी इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करिएगा और अपने साथियों तक पहुँचाते रहिएगा, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारा। ठीक है, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। ठीक है, चलते हैं हम एक नए टॉपिक की तरफ। आज का जो 10वां टॉपिक है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। CAG छठे संघाई सहयोग संगठन SAI लीडर मीट की मेजबानी करेगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG लखनऊ में 6वीं संघाई सहयोग के संगठन CSO सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन SAI नेताओं की बैठक की मेजबानी कर रहे हैं। जी हाँ, इस योजना की अगर हम बात करें तो इस योजना में भाग लेने वाले 8 SCO सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस SAI के सदस्य देश प्रतिनिधिमंडल से भारत CAG के साथ 4 देश कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान के नए SAI प्रमुख शामिल हैं। कहे गिरीश चंद्र मुर्मू ने ऑडिट में उभरती प्रौद्योगिकी को एकत्रित करना विषय पर चर्चा का नेतृत्व किया। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की बैठक का उद्घाटन किया। भाग लेने वाले प्रतिनिधियों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा के साथ साथ डिजिटल प्रौद्योगिकी चिंताओं पर चर्चा करने और अनुभव साझा करने की उम्मीद है। जी हाँ, इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग अपने पास रख लीजिएगा। अब हम इससे जुड़े हुए MCQ की तरफ बढ़ रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। इसकी PDF e-learning with दुर्गेश के ऐप पर भी मिल जाएगी और आप इसे e-learning with दुर्गेश के फेसबुक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, अगर हम बात करें 10 फरवरी की, अगर 10 फरवरी की बात करें तो टॉप 10 MCQ हैं, जहाँ पे पहला आपके सामने है, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद EACPM के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आशिमा गोयल, रघुराम राजन, शमिका रवि, अंशिका सिंह। पहले का जवाब क्या होगा?
सी शमिका रवि, अर्थात सवाल का उत्तर क्या होगा, सी होगा। महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के नए एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया, आर के गुप्ता, राजीव कुमार, विनायक पाई, राहुल रेवलो। प्रश्न नंबर दो का जवाब क्या होगा, जी हाँ यहाँ पर डी होगा। अगर आपने भी प्रश्न नंबर दो का जवाब डी दिया है तो आपके जवाब सही है। हम बढ़ते हैं आज के नए सवाल की तरफ जो प्रश्न नंबर तीन है। जी हाँ प्रश्न नंबर तीन आपके सामने है। देखिए आप सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं टेलीग्राम पर, आप अगर घर बैठे आप नोट्स चाहते हैं तो इन नंबरों पर व्हाट्सएप कर नोट संबंधित सभी जानकारी ले सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, नए आए हैं तो शेयर करते रहिएगा। कौन सा ग्रह शनि को पछाड़कर सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह बन गया, बुध, शुक्र, अरुण, बृहस्पति। तीसरे का जवाब क्या होगा, यहाँ पर डी होगा, बृहस्पति। नई दिल्ली ब्लास्ट इंडिया 2023 में सीईओ कॉनवेल की अध्यक्षता किसने की, अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह, मनसुख मंडाविया। यहाँ पर डी होगा, डॉक्टर मनसुख मंडाविया, डी वाले का जवाब यहाँ पर सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल के एक हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक। तो अगर प्रश्न नंबर पांच की बात करें, इस प्रश्न का उत्तर डी होगा, कर्नाटक। इसी के साथ हम बढ़ते हैं इसके नए प्रश्न की तरफ, नए सेशन की तरफ। जी हाँ अगर हम प्रश्न नंबर छह की तरफ चले तो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जी हाँ अगर हम प्रश्न नंबर छह की बात करें तो भारतीय रेलवे किस जोन के तहत भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन शुरू कर रहा है। देखो अपना देश, उड़ान, सक्षम भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। जी अगर प्रश्न नंबर छह की बात करें, एक भारत श्रेष्ठ भारत। पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित वाणी जयराम का हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थी, लेखक थी, राजनेता थी, गायक थी, पत्रकार थी। तो सभी लोग जवाब दीजिएगा, जी इस प्रश्न का उत्तर सी होगा, वो एक गायक थी। अगला सवाल आपके सामने है, आपके डिस्प्ले पर। मध्य क्षेत्रीय परिषद की समिति, अस्थायी समिति ने 15वीं बैठक किस शहर में आयोजित की, वाराणसी, देहरादून, भुवनेश्वर, अहमदाबाद। अगर प्रश्न नंबर आठ की बात करें तो यहाँ पर होगा बी, देहरादून। हम पढ़ते हैं आज के नए प्रश्न की तरफ जो आपके सिलेबस के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर अगर हम नौ की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस शहर में VFS ग्लोबल ज्वाइंट वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन किया, अयोध्या, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ। अगर प्रश्न नंबर नौ की बात करें तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर होगा डी। अगला भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG किस शहर में 26वीं शंघाई सहयोग संगठन CSO सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन नेताओं की बैठक की मेजबानी कर रहे हैं, बेंगलुरु, नई दिल्ली, भुवनेश्वर, लखनऊ। अगर प्रश्न नंबर 10 की बात करें इसका सही उत्तर होगा डी, लखनऊ। जी हाँ आज का टॉप 10 MCQ और थियरी दोनों समाप्त हो चुके हैं। आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा, नोट्स किस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसकी PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे कुछ लिंक दिया गया, टेलीग्राम का लिंक दुर्गेश सर सर्च करिएगा, यूट्यूब, फेसबुक और ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा जो प्ले स्टोर पर ई लर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध है। उसके साथ घर बैठे सभी नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं, आज ही अपने घर पर सभी नोट्स ऑर्डर करें। ये सभी क्लासेस जनपद जौनपुर से आप सभी के लिए लाइव चल रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा, क्योंकि ये सीरीज, ये क्लास आप सभी के लिए काफी अहम, काफी महत्वपूर्ण है और आपके सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। आप सभी का थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।